हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चार ऐसे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप लोग इंटर के बाद करना चाहेंगे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे नीट का फुल फॉर्म, ITI का फुल फॉर्म, IIT का फुल फॉर्म एंड MBBS का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, इन चार इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा है नीट का फुल फॉर्म, ठीक है। अब भाई, आप इंटर के बाद नीट करना चाहते हैं, कोई पूछता है नीट का फुल फॉर्म, तो आपको जो मैं बताता हूँ वही बता सकते हैं क्या है नीट का फुल फॉर्म, ठीक है। तो यन से आपको कहना है नेशनल, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये होता है नीट का फुल फॉर्म। देखिए, यन आपका इतना है, NEET नीट, ठीक है, और आपका ई यहाँ से यहाँ तक, और एंट्रेंस टीसीट टेस्ट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है नीट का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहते हैं पूरा फुल फॉर्म, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट, तो ये होता है नीट का फुल फॉर्म। नोट्स कर सकते हैं भैया, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा आता है, क्या आता है दूसरा, ITI का फुल फॉर्म, ITI का फुल फॉर्म, ठीक है। ITI बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो उसका आप लोगों को फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ITI का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आई से क्या होता है इंडस्ट्रियल, और टी से ट्रेनिंग, और आई से इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये केवल तीन अक्षर हैं, ITI। तो आई से क्या होता है इंडस्ट्रियल, और टी से क्या होता है ट्रेनिंग, और आई से फिर आता है इंस्टीट्यूट। तो आप लोग एक एक बारीकी से नोट्स कर लीजिए भैया, क्योंकि नीट का फुल फॉर्म आप लोगों को नोट्स करना है, फिर ITI का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, दोनों को नोट्स कर सकते हैं, फिर आप लोग इसे नहीं याद हुआ हो अभी तो आप लोग फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा आता है दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा आता है ITI का फुल फॉर्म। मैंने बताया अभी तक नीट का फुल फॉर्म और ITI का फुल फॉर्म, और हम आप लोगों को बताने हैं अब IIT का फुल फॉर्म, ठीक है, IIT का, ठीक है। तो IIT का फुल फॉर्म आइए देखते हैं, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है इंडियन, ठीक है, आई का अर्थ क्या होता है इंडियन, और फिर एक आई है उसका अर्थ होता है इंस्टीट्यूट, और फिर ऑफ टी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है आपका IIT का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IIT का फुल फॉर्म भैया, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। IIT का फुल फॉर्म, ITI का फुल फॉर्म, नीट का फुल फॉर्म, MBBS का फुल फॉर्म, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। अब हम अपना देखते हैं MBBS का फुल फॉर्म, ठीक है, किसका, MBBS, जो कि हम इसमें चार ही फुल फॉर्म देखने वाले थे, और हमारा लास्ट आता है MBBS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो MBBS का फुल फॉर्म देखिए आप लोग, दोस्तों तीन फुल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, नीट का फुल फॉर्म, IIT का फुल फॉर्म, IIT का फुल फॉर्म एवं ITI का। अब हम लोग देखने वाले हैं MBBS का फुल फॉर्म। MBBS का फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो ये है आपका MBBS का फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों, लॉन्ग है, बट आप लोग एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया गया है, बी को आगे कर दिया गया है, एम को पीछे, लेकिन ऑफ लगा हुआ है तो वो ऐसे ही लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो ये चार फुल फॉर्म हैं जो कि आपसे कोई भी पूछ सकता है, कि वो पूछे आप इंटर के बाद क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नीट करेंगे, ITI करेंगे, IIT, तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही तैयार कर लीजिए, चार मैंने बता दिया है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर आप इसे नोट्स कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को दोबारा भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, नीट का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, इसे नोट्स कर लीजिए, ठीक है, नीट का फुल फॉर्म।
आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर हमारा ये पहला है, सॉरी ये हमारा पहला है, और हमारा दूसरा आता है आईटीआई का फुल फॉर्म। आईटीआई का फुल फॉर्म हमने आप लोगों को दूसरे नंबर पे बताया है, आईटीआई का फुल फॉर्म। और हमारा आता है फिर आईआईटी का फुल फॉर्म, मेरा तीसरा है, उसे नोट्स कर लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमारा आता है लास्ट, जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग लास्ट देखते हैं, ये है हमारा MBBS, ठीक है। तो MBBS का फुल फॉर्म, अब दोस्तों मैंने आप लोगों को कई सारा फुल फॉर्म पढ़ा दिया है, अब मैं आप लोगों से एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को उसे कमेंट बॉक्स में देना है, जिसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। तो आप लोगों को बताना है ATP का फुल फॉर्म, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर ज़रूर दें, मैंने इसे पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म, ठीक है, तो इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो नया नया वीडियो भेजूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।